हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम बिना लहसुन और प्याज के मटर पनीर बनाएंगे। मटर पनीर बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सी जार लेंगे। अब इसमें 3 टमाटर जिसे हम काट लेंगे, 4 हरी मिर्च, 1 बड़ा अदरक का टुकड़ा, 1 काजू डालकर इन सभी को अच्छे से पीस लेंगे। टमाटो प्यूरी तो बन चुकी है, अब हम मटर पनीर बनाएंगे। इसके लिए एक पैन लेंगे और उसे गरम कर लेंगे। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल, 1 चम्मच मक्खन डालेंगे। मक्खन को इस तरीके से हिलाते हुए मेल्ट कर लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच जीरा, 2 छोटी इलायची, 4 से 5 लौंग, दालचीनी और 1 तेज पत्ता डालकर इन सभी को थोड़ा फ्राई कर लेंगे। जब सारे मसाले अच्छे से फ्राई हो जाए तब इसमें जो हमने प्यूरी बनाई थी वो डाल देंगे। और प्यूरी को सारे मसालों में अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालकर मिला लेंगे। हम इसको तब तक उबलने देंगे जब तक प्यूरी गाढ़ी ना हो जाए। देखिए प्यूरी गाढ़ी हो चुकी है। जब प्यूरी कढ़ाई को छोड़ने लगे तब इसमें हम 1 कप दूध डालेंगे। दूध डालने के बाद इसे हल्का सा उबलने देंगे। जब प्यूरी में हल्का सा उबाल आ जाए तब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर मिला लेंगे। अब इसमें 1/2 कप उबले हुए मटर, 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच कसूरी मेथी डालकर मिला लेंगे। इसमें स्वाद अनुसार नमक, हमने नमक पहले इसलिए नहीं डाला था क्योंकि नमक डालने पर दूध फट सकता है, इसलिए हम दूध में उबाल आने के बाद ही नमक को डालेंगे। और 200 ग्राम कटा हुआ पनीर डालेंगे। पनीर को इन सब में अच्छे से मिला लेंगे। खुशबू
खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। ध्यान रहे ये सब्जी थोड़ी देर रखने में गाढ़ी हो जाती है, इसलिए आप अपने अनुसार पानी या दूध डाल सकते हैं। मटर पनीर बन चुकी है, अब गैस बंद कर देंगे। मटर पनीर बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है, आप इसे अपने घर पे जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।